आइस कितनी अच्छी लग रही है, इसे पोस्ट कर दूंगी। आइस कितनी अच्छी लग रही है, इसे पोस्ट कर दूंगी। कायरा मतलब इतना मतलब बड़ा नाम, बड़ा ब्रांड बन चुका है, जो भी ब्रांड बन चुकी है, क्या कहेंगे? और 12 साल का मुकाम हासिल किया है, 3300 एपिसोड्स। फर्स्टली तो बिग 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 कांग्रेचुलेशंस टू ये रिश्ता, सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी गई हुई है, बिग बिग कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम टू ये रिश्ता क्या कहलाता है, एंड एवरी सिंगल पर्सन एसोसिएटेड विद द शो। सेवन एंड हाफ ईयर्स हैड ऑलरेडी बीन डन व्हेन वी जॉइंड द शो, एंड अब माशाल्लाह 12 साल हो जाना, 12 साल इज ब्यूटीफुल नंबर, आई लव द होल नंबर 3 हर जगह से कनेक्ट हो रहा है। तो मैं वही सर से बोल रहा था, अभी हम लोग बहुत जल्द 3333 कंप्लीट करने वाले हैं, आई होप कि उस दिन भी हम ऐसे ही सेलिब्रेशन। कितना मजा आया, काफ़ी धमाकेदार सेलिब्रेशन देखा हमने सेट पर, सब एंजॉय कर रहे थे, क्या कहेंगे? हाँ, सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, हम हमेशा ही हवन करते हैं, और हवन पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, प्यार और जो है, और सब ब्लेसिंग्स भगवान की बनी रहे हम सब पे, सभी पे, आप लोगों पे भी, और इसीलिए करते हैं सब पूरे। काफ़ी लोग थे जो शो का फ़िलहाल हिस्सा नहीं है, वो लोग भी थे, और मतलब सभी आए हुए थे यार, एक मिलना जुलना हो गया सबसे, और अच्छा लगा बहुत। मतलब फिर आपने केक कटिंग तो देखा ही, सबने बहुत सारा केक खाया। अच्छा, फैंस को क्या कहेंगे, जो कहीं ना कहीं काफ़ी रिएक्शन आ रहे हैं, मायूसी नज़र आ रही है, कायरा नहीं रहेंगे, नायरा नहीं रहेगी, मतलब काफ़ी चीज़ें हो रही है, आपको कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है फैंस को लेकर, क्या कहेंगे? वही जो रिस्पॉन्स आपको आ रहा है, वही रिस्पॉन्स मुझे भी आ रहा है, एंड हम समझते हैं आप लोगों के इमोशंस, समझ रहे हैं,
पर फिलहाल तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप शो देखते रहिए, आगे क्या होगा कैसे होगा आप सबको पता चल जाएगा। बट उसी में से छेड़छाड़ किया जाता है हर वक्त, लास्ट टाइम भी हुआ था और इसी टाइम भी हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब सारे जो ट्विस्ट है वो आपके कैरेक्टर के द्वारा किया जाता है, इज व्हाट यू मीन। ओके, दैट्स गुड ना, अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये था, द सिल्वर लाइनिंग इन ऑल दिस इज द फैक्ट दैट आप दोनों की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। आई वॉज जस्ट गोइंग टू ट्विटर एंड एवरी वन वॉज प्रेजिंग द लास्ट फ्यू एपिसोड्स एस्पेशली बिकॉज एवरी वन लव द वे यू टू पोर्ट्रेट कायरा। भले ही अंत हो, नई शुरुआत हो, जो भी हो, बट आपकी एक्टिंग जो मेन चीज़ है वो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? आई एम श्योर यू गाइज मस्ट हैव गॉन थ्रू ट्विटर रिएक्शंस एंड एवरीथिंग, राइट? हाउ सरियल डज इट फील व्हेन यू नो दैट दे आर अपसेट बट उसमें भी दे आर फाइंडिंग लव फॉर योर वर्क? इट्स गुड यार, फील्स गुड। हमारे कास्ट से ही जब हम लोग ही एक दूसरे को भी बोलते कि यू नो आपका ये शॉट मुझे बहुत अच्छा लगा आपका, सो वी ऑल द एंटायर कास्ट कम्स टुगेदर लाइक दैट। सो अभी भी जब हम बैठते हैं तो हम बात करते हैं कि यार वो सीन जो आया वो बहुत गूजबम्स आ गए थे वो सीन के वो देख कर, और तो ये एंटायर कास्ट डिस्कसेस इट। सो अमंग्स आवरसेल्व्स वी नो एंड वी स्पीक अबाउट अच्छा वो सीन, सो वी ऑल हैव आवर फेवरेट्स। इतना बाहर नहीं निकल पाते फॉर ऑडियंसिस रिएक्शन, तो जो सोशल मीडिया पर जो रिएक्शन होता है वो मिल पाते हैं हमें। So seeing that was very overwhelming, yeah. You messaged, very nice that you do. Very, you this very, very sweet of you. You did? I will still show you the message. Mashallah, it helps a lot when people tell you ki achha ye achha laga. So it kind of gives us a direction ke is tarah se aur perform karna chahiye. Humne dekhe reactions, jo bhi drama tha, jo bhi sequence tha, un sab को साइड पे रख के लोगों ने परफॉर्मेंसेस को काफ़ी सराहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और नायरा के गिरने के बाद आई थिंक कार्तिक का बहुत मेजर इंटेंस सीक्वेंस रहे हैं और अभी तक चल ही रहे हैं, इसके लिए मेरी आवाज़ जा चुकी है। एंड आई थिंक ही वाज अमेजिंग, आई टोल्ड हिम आल्सो, मैंने उनको मौसम को बताया भी, उनके परफॉर्मेंसेस बहुत ही मतलब outstanding performance rahi hai in kuch episodes mein. See, that is also you know, full credits to the writers, to the director, to yes, bring that to out, bring that out, because a lot of times to get that exact emotion, because the directors usually tell us, you know, isko thoda sa sober kar lo, isko thoda sa utha sakte ho, so those you know things really matter, the writing really matters. So full credits to the writers, the directors, a creative team to bring that नुएंस आउट, बहुत छोटी छोटी नुएंसेज है, वो एंजल का उसी पॉइंट पे टूटना, हाथ का जब छूटना तो इट वॉज जस्ट द हाथ का छूटना, इट वॉज द एंटायर थिंग। सो दो स्मॉल स्मॉल नुएंसेज मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस विजुअली, सो फुल क्रेडिट टू देम। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको आपने अपना नया घर लिया है, तो आपने पोस्ट भी किया, उसके बारे में थोड़ा कुछ आप बताइए। बहुत हाई राइज अपार्टमेंट से आपने फोटो डाली है। थैंक यू सो मच। हाँ, हमने नया घर लिया है, तो इंशाल्लाह मैं जब प्रॉपर मेरी फैमिली के साथ हम लोग पोस्ट करेंगे उसके बारे में। थैंक यू, थैंक यू, चलो चलो सबका रोल है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत ही शानदार हवन रहा और काफ़ी अच्छी तरह से आपने सेलिब्रेट किया, क्या कहना चाहिए? बस ऐसा है कि हमेशा ये दुआ होती है, यही प्रे करते हैं ऊपर वाले से कि ऐसे ही खुशी रहे सेट पे। आज 12 साल हमारे कंप्लीट हुए 12 जनवरी 2021, और उसी दिन 3300 एपिसोड का पूरा होना, आई थिंक ये बहुत एक कार्मिक और एक ऊपर वाले की एक देन है कि उसी दिन हमारे 12 साल कंप्लीट होते और उसी दिन हमारे 3300 एपिसोड होते। तो हमेशा ये दुआ करते हैं, ये प्रे करते हैं कि वही एक जोश जो पहले दिन था, आज भी वो वही जोश रहे टीम में, वही ह्यूमिलिटी रहे, वही हार्डवर्क रहे, एक टुगेदरनेस, एक टीम की जो टुगेदरनेस होती है। आई ऑलवेज से कि बेस्ट टीम्स मेक बेस्ट शोज़। तो जब शो अच्छे लोग साथ में आते हैं तो आई मी माई सेल्फ नहीं रहता, एक टीम वर्क रहता है। और यही ह्यूमिलिटी रखते हुए हम दर्शकों को थैंक यू कहना चाहेंगे। कभी आपकी नाराज़गी होती है कुछ बातों को लेकर, कभी आप बहुत प्यार करते हैं, मगर जो भी हमारा साथ जरूर दीजिएगा।
और आज आई वॉन्ट टू थैंक एवरीबडी एसोसिएटेड विद द शो, सारी हमारी टीम, टेक्नीशियंस, एक्टर्स, यूनिट, जिन्होंने साथ दिया है. 12 साल बहुत एक अच्छा एक इट्स अ लाइफ टाइम. इनफैक्ट मुझे कोई बता रहा था उस दिन के लोगों के करियर्स कभी कभी 12 साल के ही होते हैं, और एक शो ने वो ज़िंदगी जी है और आज भी जी रहा है, और भगवान करे और जिएगा. सो थैंक्स टू एवरीबडी, टू द व्यूअर्स, एंड थैंक्स टू मोहसिन एंड शिवानगी, जिन्होंने एक हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स की तरह एक साथ दिया है, डायरेक्टर्स का, प्रोडक्शन का, रिश्ता का कहलाता है का, और बहुत कुछ अभी आगे देखेंगे. तो उसके लिए आई थिंक वी ऑल नीड योर सपोर्ट, और ज़रूर देखेगा जो आगे कुछ होने वाला है कुछ दिन. मैं सबसे पहले तो सर को और पूरी टीम को ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी फॉर कंप्लीटिंग 12 इयर्स. एंड मैं ये बोल रही हूँ और मैं ये मान रही हूँ और मैं हमेशा मानती रहूँगी कि मैं बहुत लकी हूँ, बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं इस शो का हिस्सा हूँ, और आगे भी रहूँगी या नहीं रहूँगी पता नहीं, वो आप लोग देखिएगा. लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा. 100% गारंटीड. बैट लगा रहा है? आप बैट लगा रहे हो? आप हार भी सकते हो. नहीं, आप बैट मत लगाइए. इट्स अ बिग ट्विस्ट कमिंग अप जिसके लिए आपको देखना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली यू विल गेट टू नो. लेकिन थैंक यू सर फॉर बिलीविंग इन मी, एंड हमें मुझे नायरा देने के लिए, हमें कायरा देने के लिए. हमारे लिए नायरा, मेरे लिए नायरा और हमारे लिए कायरा हमेशा बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल रहेंगे. और बस यार कंग्रेचुलेशन. The show had already completed 7.5 years. 7.5 साल हो चुके थे, 2100 करीब एपिसोड्स हो चुके थे, सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके थे, सारे अवार्ड जीत चुके थे जब हम हमारी एंट्री हुई थी शो में एज कार्तिक नायरा. एंड तब तक इट हैड ऑलरेडी अचीव सो मच, माशाल्लाह. वी हैड एंटर्ड अ ग्रैंड शो एंड बीन एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड, ऑनर्ड एंड हम्बल्ड एवरी डे के कास्ट इन दिस रोल. एंड माशाल्लाह ये जो जर्नी है ये, और हमारी 1200 हो गए तो 3300 क्रॉस कर चुके हैं, और ऐसी ही बहुत जल्द 3333 होने वाला है. इंशाल्लाह द नंबर 3 इज़ वेरी लकी फॉर सर, इज बॉर्न ऑन 3rd. एंड वो जो लक है, वो जो 3 नंबर का, वो आई थिंक हम सब में वो फैल रहा है. So I think I'm soon going to believe in numerology because of it. Raju, so my question is to you, because usually team humne daily soaps mein dekhi hain, kafi badi teams hoti hain, but ye rishta kya kehlata hai? I'm sure everyone will agree that it is the biggest team. To put together that team and take them along with you for 12 years is not easy. How did you manage that? Because I'm sure that is the most difficult. It's a nightmare for a producer to handle such a huge team. Right? How did you manage? नहीं, मेरा वो एक बता दूं, अगर मैं वो अपना ट्रिक बता दूं या मैजिक बता दूं या फार्मूला बता दूं तो नहीं नहीं बेसिकली फार्मूला बहुत सिंपल है, जो मैंने हमेशा बिलीव किया है इंडस्ट्री में, कि जब आप अच्छे लोगों के साथ काम करते हो तो जो आपका विजन होता है, आपकी जो आप चाहते हो जो शो में हो, वो किसी और का ड्रीम बना दो, और उनको इंस्पायर करो, उनको मोटिवेट करो, उनको मतलब वो एक प्लेटफॉर्म दो जहाँ वो आपकी जर्नी को अपनी जर्नी बना दें. एंड मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे कंपनी डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन में ना केवल सारी यूनिट, सारी टीम मेंबर्स, मेरे वर्कर्स, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी सोल जो हमारी यूनिट की होती है, और सारे बेहतरीन कलाकार जो है, उन्होंने ये रिश्ता का सपना अपना समझा, अपने कंधों पर उन्होंने शो का पूरा वो जिम्मेदारी ली, और उन्होंने वो सपना बना दिया. तो मैं खाली स्टेज पर जाता हूँ, ऐसे इंटरव्यूज देता हूँ, अवार्ड लेके आ जाता हूँ. So really, honestly, that is a thing that when you have such hard-working people, positive people, तो उनका सपना बन जाता है और मैं बस क्रेडिट ले जाता हूँ. एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगी, सर सिर्फ सेट पे आते हैं या सिर्फ स्टेज पे आते हैं या इंटरव्यूज नहीं देते हैं, सर हमेशा हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और हमेशा हमारे साथ भी रहते हैं. और सिर्फ इन ओकेजन्स पे नहीं आते हैं, बहुत बार सेट पे आते हैं, हमारे सभी आउटडोर्स में. हम एक्टर्स हैं, हमें अगर सुबह 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठना है तो सर भी हमारे साथ उन्हीं टाइम पे उठते हैं. तो आई थिंक ये सबका है, ये आई थिंक पूरी जितने लोग जुड़े हुए हैं सब ने आई थिंक बहुत मेहनत की है. और सीरियसली थैंक, कंग्रेचुलेशन वंस अगेन सर, 12 इयर्स, ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल. ठीक है सर, यू कैन जस्ट टेक देयर बाइट्स.
फॉर 5 मिनट्स दिस इज समथिंग चलो